आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन वेपन सिस्टम्स के बारे में जिनकी मदद से इंडियन आर्मी ने तवांग में चाइनीज सोल्जर्स की कंबल कुटाई करी है। अगर आपको इस इंसिडेंट को डिटेल में जानना है और इसके इम्पैक्ट को समझना है तो हम लोगों ने अपने चैनल कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस की है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। और इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रेकमेंड आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसके इम्पैक्ट को आप समझ सकें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास में भारतीय थलसेना और पीएलए के बीच में एक स्कर्मिश हुआ था जहां पर भारतीय थलसेना की तरफ से पीएलए की जम के पिटाई की गई है। लेकिन इस पिटाई के दौरान जो वेपन सिस्टम्स यूज किए गए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। ये चीज हम सब जानते हैं कि भारतीय थलसेना और पीएलए के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसके चलते दोनों ही फोर्सेस फायरआर्म्स को एलएसी के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस अग्रीमेंट में जो लूप होल है उसका फायदा उठाते हुए पीएलए हिस्टोरिकली नॉन लीथल वेपन्स का प्रयोग करती आई है, और ये नॉन लीथल मिली वेपन्स जैसे कि डंडे जिनमें कीले होती हैं, क्लब्स जिसमें बार्ब वायर्स होते हैं, मशट्टे या अलग अलग तरीके की चाइनीज तलवारें पीएलए को हमेशा से टैक्टिकल एडवांटेज देती रही हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर पीएलए कई बार भारतीय थलसेना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करती आई है। इनफैक्ट गलवान वाले इंसिडेंट्स में जो भारत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो इन्हीं मिली वेपन्स के वजह से हुआ था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय थलसेना की तरफ से काफी तेजी से इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। वैसे भी मिली वेपन्स कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली भारतीय थलसेना की तरफ से इस तरीके के वेपन सिस्टम्स के प्रयोग को अनएथिकल मान के नहीं किया जाता था। लेकिन जब आपका एनिमी इस तरीके के वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करता है और अग्रीमेंट में जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाता है तो आपको अल्टीमेटली वो चीजें करनी पड़ती हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, और भारतीय थलसेना के केस में यही हुआ है। भारतीय थलसेना मिली वेपन्स का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीएलए की तरफ से कंटिन्यूसली इस तरीके के वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करने के कारण अब भारतीय थलसेना ने भी इस तरीके के वेपन सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। एएनआई के एडिटर अजीत कुमार दुबे की तरफ से ये इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ शेयर की गई थी जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें मिली वेपन दिखाई देंगे जो इस समय इंडियन आर्मी यूज कर रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि नोएडा बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से कुछ मिली वेपन्स बनाए गए हैं जिनको भारतीय थलसेना अपने बेड़े में शामिल करने वाली है, लेकिन इनको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। लेकिन अजीत की इस फोटोग्राफ के बाद में ये चीज क्लियर हो गई है कि इंडियन आर्मी इन वेपन सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है, और न ही केवल शामिल कर चुकी है बल्कि तवांग में पीएलए के ऊपर इनकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने बताया था कि नोएडा बेस्ड एब्स्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से 3 ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं जिसमें मिली के साथ साथ टेजर भी यूज किया गया है। लेकिन जब इस स्टार्टअप कंपनी की तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स को डेमोंस्ट्रेट किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, और मोस्टली इस मजाक के पीछे जो कारण था वो थी इन वेपन सिस्टम की अपीयरेंस। देखिए, उनकी तरफ से 3 वेपन सिस्टम डेमोंस्ट्रेट किए गए थे। पहला वेपन सिस्टम था वज्रा, जो बेसिकली एक स्टिक थी जिसमें नेल्स थे और सामने की ओर इसमें एक टेजर लगा हुआ था। दूसरा सिस्टम था सेस्टस, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये भी एक तरीके का ग्लव था जो 400 केवी के टेजर के साथ में आता है। लेकिन जो मेन ट्रोलिंग हुई थी वो तीसरे सिस्टम को लेकर हुई थी जिसका नाम था त्रिशूल, और इस कंपनी ने इस सिस्टम को अपने कैटलॉग से बाद में हटा दिया था। अब वो इस सिस्टम को दंड कहते हैं, जो बेसिकली त्रिशूल नहीं एक तरीके का डंडा है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारतीय थलसेना की तरफ से इस तरीके के सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं, और उसका टैक्टिकल एडवांटेज हम लोगों को तवांग में देखने मिला है। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जिनको टैक्टिकल एडवांटेजेस समझ में नहीं आते हैं और वो चीज़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।